So in this video, we are gonna do an honest review of one of the most popular BCAAs out there, which is none other than Extend BCAA. मैंने एक्सटेंड BCAA को 1 month तक ट्राई किया है, सो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर में कौन कौन से मैक्रोस देखने मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम BCAA. यानी BCAA तो है ही, उसके साथ में हमें कौन कौन से ऐसी चीजें प्रोवाइड कराता है जो बाकी BCAA ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं कराते. एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई एक्सटेंड BCAA इज सो मच पॉपुलर इन बिटवीन एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स. इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू किस लिए है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग दिस BCAA फॉर अ मंथ और सो, कि मेरे बॉडी के अंदर इसने क्या क्या चेंजेस किए, मुझे फिजिकल रिजल्ट्स क्या क्या देखने मिले, मेरी मसल रिकवरी कैसी है और साथ ही साथ मेरे डोम्स यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के अंदर इसने क्या क्या फायदे दिखाए हैं. इन द एंड वी विल डूइंग अ बजट एनालिसिस कि अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी ₹500 से 1000 तक, या फिर आपका बजट चलता है मीडियम टू हाई यानी ₹1000 एंड प्लस, तब Is Extend BCAA worth your money? क्या आपको इसे ट्राई करना चाहिए या फिर will it be a waste of your money? अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर. इन केस आपको एक्सटेंड BCAA को ट्राई करना हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो. So, let's start with the packing. हमने यहाँ पे Extend BCAA की 402 ग्राम से 400 ग्राम की पैकिंग ली है, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ इसके अंदर क्या क्या मैक्रोज है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अपार्ट फ्रॉम BCAA इसके अंदर कुछ ऐसे मैक्रोज हैं जो काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं और आपकी हेल्थ को काफी चार चांद लगाने वाले हैं. और मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन सभी चीजों का नाम लेते भी नहीं है, ओनली ऑथेंटिक ब्रांड्स ही ले पाते हैं बिकॉज दाम लगता है भाई सब बनाने में. Here comes our first matrix of this review, which is number of scoops per pack. यानि extend की BCAA के 400 ग्राम की पैकिंग के अंदर हमें कितने स्कूप ऑफ BCAA पाउडर देखने मिल जाएगा. Here, extend BCAA की एक पैकिंग के अंदर हमें 30 स्कूप की स्टैंडर्ड सर्विंग देखने मिल जाती है, which is average in the market. Our next matrix is scoop size. Now, according to me, scoop size is one of the most important matrix out there because इससे determine होता है कि हमारी body के अंदर actual में कितना BCAA and other components जा रहे हैं, क्योंकि हमारी body उसी proportion में grow होती है जिस proportion में हम किसी भी supplement को take करते हैं. Here, extend BCAA का scoop size बताया है 12.5 grams का, which is compared to other brands काफी बड़ा है. Here comes our next matrix, which is scoop per serving. यानी एक बार की BCAA shake बनाने में हमें कितने scoop of extend BCAA powder use करना है. Here, extend BCAA की एक बार की serving बनाने में हमें single scoop यानी 1 scoop की serving use करनी है. So that is so much reasonable. हमारी अगली matrix आ जाती है serving in gram. यानी एक बार की serving create करने के अंदर हमारे पेट में कितने gram of BCAA powder जा रहा है. Here, Extend BCAA की एक बार की सर्विंग के अंदर 12.5 ग्राम्स ऑफ BCAA पाउडर हम टेक कर रहे हैं. Now here comes one of the most important metrics of our review, which is blend ratio. Now blend ratio काफी ज़्यादा important हो जाता है when it comes to BCAAs, because इनको work करने के लिए एक specific amount चाहिए. अगर उस amount से कम हो तो ये काम नहीं करते और ज़्यादा हो तो वारे ही नहीं आ रहे हैं. Here Extend BCAA claim करता है कि इन्होंने 2:1:1 की गोल्डन रेशियो ली है, जो विच इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स एंड टॉप एथलीट्स. बट क्या ये हमारी लैब टेस्ट के अंदर ट्रू निकली है कि नहीं निकली है? सो हमारी लैब टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी इसने अपने एमिनो एसिड प्रोफाइल को 2:1:1 के अंदर ही डिवाइड कर रखा है. सो हैट्स ऑफ. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ग्रॉस BCAA. यानी एक्सटेंड BCAA की 12.5 ग्राम की सर्विंग में एक्चुअल में हमें BCAA कितने ग्राम देखने मिल जाता है. हियर Extend BCAA के अंदर ग्रॉस BCAA का कंटेंट है 7 ग्राम्स का, विच इज 2 ग्राम मोर देन एवरेज. सो काफी बढ़िया चीज है. लेट्स ब्रेक डाउन इट्स एमिनो एसिड प्रोफाइल, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड आ जाता है लूसीन. हियर Extend BCAA के अंदर हमें 3500 mg ऑफ लूसीन देखने मिल जाता है, विच इज वेरी गुड. सेकेंड एमिनो एसिड इज आइसोलूसीन एंड हियर इन एक्सटेंड BCAA हमें ये मिल जाता है 1750 mg, जो काफी बढ़िया है. एंड फाइनली इज वैलिन, विच इज ऑल्सो 1750 mg. सो इसका गोल्डन रेशियो 100% कंप्लीट हो.
here comes one of the most electrifying metrics of our review, which is electrolytes. Now, जिनको पता नहीं है what are electrolytes, तो मैं थोड़ा सा explain करना चाहूँगा. Electrolytes basically एक energy supplement की तरह काम करते हैं. मतलब जैसे ही हम इन्हें लेते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज करते हैं और हम लोग अपने वर्कआउट को एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं. अपने वर्कआउट में एक बूस्ट देखने मिलता है. सो एक अच्छे क्वालिटी के BCAA के अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइट जरूर दिखने चाहिए और उनके अंदर खाली यस का मतलब नहीं होना चाहिए, वो कितने हैं वो भी बताने चाहिए. सो इन दिस केस ऑफ एक्सटेंड BCAA, इन्होंने मेंशन किया कि इनके अंदर 1140 mg ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है. Here comes one of the rarest metrics of this review, which is L-glutamine. Now, बहुत सारे BCAA brands तो L-glutamine का नाम भी नहीं लेते हैं, but not in the case of Xtend BCAA. इन्होंने हमें 2500 mg of L-glutamine provide कराया है, जो कि काफी बढ़िया बात है. इससे हमारी पोस्ट वर्कआउट के अंदर रिकवरी और भी अच्छे से होगी, जहां इनके इलेक्ट्रोलाइट्स और गुड क्वालिटी BCAA हमें इंटर वर्कआउट के अंदर हेल्प कर रहे हैं, हमारी बूस्ट कर रहे हैं एनर्जी को, वहीं पे ये ग्लूटामाइन हमें पोस्ट वर्कआउट के अंदर डोम्स से बचाता है. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज GMO फ्री, यानी कहीं ये BCAA जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ना, बिकॉज BCAAs के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना बहुत आसान होता है, जिससे ये काफी ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट बन जाते हैं और हमारी हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर देते हैं. सो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है. हियर अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड BCAAs पैकिंग, ये GMO फ्री है और हमारे लैब टेस्ट के अंदर भी ये बात 100% ट्रू पाई गई है. सो ऑथेंटिसिटी तो है भाई. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ग्लूटेन फ्री. Now, according to Xtend BCAAs packing and website, they say it is 100% gluten-free, so it is safe for your consumption. और हमारे lab test के अंदर भी बात true पाई गई है. Now, this matrix is one of the most vital matrix for your health, which is banned substances free. Here, मतलब इस BCAA के अंदर कोई performance enhancers या फिर muscle absorbent तो नहीं मिला दिया गया ना, इसकी performance increase करने के चक्कर में, जो हमारी muscles और में health के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं. Here, according to their packing, यानि extend की packing के ऊपर लिखा हुआ है कि they are banned substances free, और ये चीज हमारे lab test में true पाई गई है. Because, so अब आई है हमारी असली मैट्रिक्स, यानी हमारे cost per scoop की calculation. मतलब एक scoop of extend BCAA खाने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग information लेते हैं. For this calculation, हमने formula use किया है, current price of extend BCAA divided by number of scoops per pack. जहाँ हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर. अभी एक्सटेंड BCAA का करंट प्राइस चल रहा है ₹2,699 ओनली. हमारा सेकंड वेरिएबल आ जाता है नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक. यहाँ अभी करेंटली एक्सटेंड BCAA के एक पैकिंग के अंदर हमें 30 स्कूप्स ऑफ BCAA देखने मिल जाता है. Therefore, हमारा cost per scoop आ जाता है in the case of extend BCAA ₹90 only. In case आप extend BCAA को try करना चाहते हो, तो मैंने इसे खरीदने का link description में दे दिया है, आप वहां से इसे online भी खरीद सकते हो. अब करते हैं हमारा budget analysis. अगर आपका budget low to medium चलता है, यानी ₹500 से लेके 1000 तक, तब रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा. On the other hand, अगर आपका बजट चलता है medium to high, यानी ₹1000 and plus, तब congratulations, आपके लिए ये BCAA बना हुआ है. Because इसके अंदर जो हमें macros देखने मिल जा रहे हैं, जो जो ingredients BCAA के अलावा हमें दिए जा रहे हैं, वो काफी बढ़िया quality के हैं और वो आपके workout के लिए एक नई जान डाल देंगे. जहां इसका cost per scoop आया ₹90, तो ये जो इसके अंदर ingredients है, ये इसके cost per scoop को justify करते हैं. It is not overpriced, it is perfectly priced. Now let me share with you my personal experience after using Xtend BCAA for 1 month. Now first thing first, this is one of the most paisa vasool product out there. Why? Because इससे जो मेरी muscle recovery थी वो काफी smoothly हो रही है और साथ ही साथ हाँ मेरे workout के अंदर इसने एक नई जान डाल दी. कैसे? Because इसके अंदर हमें काफी सारी ऐसी चीजें देखने मिलती है. For example, इसके अंदर हमें electrolytes देखने मिल जाते हैं, जो हमारे वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं. अगर आप इसे इंट्रा वर्कआउट के अंदर यूज करोगे, अगर आप इसको प्री वर्कआउट में यूज करोगे, देन इट विल एनहेंस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ योर मसल्स. व्हाट आई मीन कि आपके मसल्स के अंदर एक्स्ट्रा बूस्ट रहेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी टू लिफ्ट इवन हैवी वेट्स. अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट BCAA कौन सा है. सो मेरा पर्सनल फेवरेट BCAA है बिग मसल का एनर्जी BCAA.
बिकॉज ये लो प्राइस में होने के बावजूद भी इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स और नेचुरल कैफीन देखने मिल जाता है, जो मुझे इंट्रा वर्कआउट के अंदर एक छोटी सी एनर्जी की बूस्ट देता है, जिससे मैं अपने वर्कआउट को एकदम परफेक्टली एंड कर सकूं। और हाँ, ये मेरे फाइनेंशियल लिमिटेशंस के अंदर आता है। सो अगर आपको भी बिग मसल के BCAA को ट्राई करना है तो मैंने इसे भी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर बेस्ट BCAAs की प्लेलिस्ट रिव्यू हुई, वो आप देख लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सप्लीमेंट से रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।